जोधपुर की सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने आज हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत रैली निकाली। इस दौरान जवानों के हाथों में तिरंगा था। बीएसएफ के जवान सजे धजे ऊंटों पर निकले और भारत माता के जयकारे लगाते रहे। ये रैली आपको बता दें जोधपुर के बीएसएफ प्रशिक्षण केंद्र से रवाना हुई, जो मेहरानगढ़ फोर्ट तक पहुंची और वापस मेहरानगढ़ फोर्ट से प्रशिक्षण केंद्र पहुंचे। पहुंचकर ये जो यात्रा है ये संपन्न हुई। इस दौरान इस रैली में 1200 से ज्यादा जवान अल सुबह हाथों में तिरंगा लेकर घोड़ा गाड़ी वाली सड़कों से होते हुए आपको बता दें मेहरानगढ़ पहुंचे और वहां से विभिन्न वापस प्रशिक्षण केंद्र पहुंचकर रैली का उन्होंने समापन किया। इस दौरान बीएसएफ के जवानों को देखने के लिए शहर के लोग सड़क के दोनों किनारों पर उमड़ पड़े और फोटो और सेल्फी लेते हुए नजर आए। रैली में डीआईजी एमएल गर्ग, कमांडेंट देवेंद्र सिंह और अन्य अधिकारीगण भी शामिल हुए। वहीं जवानों के हाथों में तिरंगा और कैमल कैवलरी का नेतृत्व डिप्टी कमांडेंट मनोहर सिंह खींची द्वारा किया गया। हमारे फ्रंटियर जोधपुर राजस्थान की तरफ से आप सबको हर घर झंडा के उपलक्ष्य पर बहुत बहुत मुबारकबाद और उम्मीद करते हैं ऐसी एकता हर जगह नज़र आए। हमें किसी भी जात धर्म या प्रांत के हिसाब से कोई ना बांटे, यही दुआ करता हूं कि आप सब और हमारे साथ हमारी सेना और बाकी अर्धसैनिक बल सब मिलके इस देश को एकत्रित रखें और इकट्ठा करें। इस तरीके से ही नहीं, बाकी और अपनी पहल हैं उसमें सरकारी जो योजनाएं हैं उसमें साथ दें, यही मैं उम्मीद करता हूं। इस पुराने किले के मतलब अपने पहचान को कि हम लोग जो हैं इतिहास जो हमारा है बहुत पुराना है और इस बात को ज़रूर याद रखें कि भारत आगे बना रहेगा और अमर रहेगा। जय हिंद। हर घर झंडा के उपलक्ष्य में हमारे यहाँ से फ्रंटियर हेडक्वार्टर एसटीसी के जो कमांडेंट देवेंद्र हैं इनके साथ में हम लोग रिक्रूटों के साथ में यहाँ पर झंडे का एक मतलब परेड करी है और उससे एक भारत के प्रति जागरूकता पैदा कर